अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज, आज की एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जो कि है ब्रेड पोटैटो स्नैक्स। बहुत इजी और झटपट रेडी हो जाने वाली रेसिपी है ये, जो आप बच्चों को लंच के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, गेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। आप इनको बनाकर 1 वीक से 10 डेज तक स्टोर भी कर सकती हैं। इनके लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है, जो कि घर पे हर वक्त अवेल होते हैं। आइए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम 4 पोटैटो हमने बॉयल ले लिए हैं। पोटैटो को आपने बहुत कम बॉयल करना है, मतलब बॉयल करना है उनको अच्छी तरह, बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि उनमें पानी वो एब्जॉर्ब कर दें। फिर अक्सर बहुत ज़्यादा बॉयल किए हुए पोटैटो अगर पानी एब्जॉर्ब कर देते हैं तो वो फिर टूट जाते हैं। जब हम फ्राई के लिए पैन में डालते हैं ना, तो वो फिर टूट जाते हैं, जुड़ते नहीं हैं। ब्रेड क्रम्स भी आप यूज़ कर लें, बट वो थोड़ा सा सॉफ्ट रह जाते हैं। तो ज़रा सा हॉट से बनाएंगे, फ्रीज भी करने होंगे तो ईज़िली वो फिर हमारे पास रहेंगे। तो मैंने आपके सामने 4 पोटैटो लिए हैं, उनको मैंने मैश कर लिया है अच्छी तरह। मैश करने के कर लिया है, इसमें आप वेजिटेबल भी ऐड कर सकती हैं, अनियन, ग्रीन चिलीज, और अगर आपके बच्चे वेजिटेबल पसंद करते हैं, कैरेट होगी जैसे, अक्सर कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं स्नैक्स बनाने के लिए। बट मैं यहाँ पर जस्ट 2 चीज़ें ऐड करूँगी, वेजिटेबल्स ऐड नहीं कर रही। मैंने एक छोटा सा प्याज इसमें ऐड किया है और ग्रीन चिलीज ऐड किए हैं, थोड़ी सी कम मकदार में, जो ज़्यादा लगने वाली नहीं है, बस नॉर्मल सी है। मैं इन्हें मिक्स करके एक अच्छी सी डो बना दूँगी। मेरी डो ना ही इतनी, देखें आपके सामने, इतनी सॉफ्ट भी नहीं है और इतनी हॉट भी नहीं है, मीडियम सी है। मैंने ये डो तैयार कर दी है और फिर मैं इसमें एक चीज़ और भी ऐड करूँगी, जिससे ज़रा सा ये क्रिस्पी से बनेंगे। आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत अच्छे बनते हैं, बट मैंने ज़रा ये चीज़ भी ऐड करके ज़रा घर वालों के लिए बनाए थे, तो अच्छे लगे थे। मैंने 1 कप सूजी ली है, उसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिए, ब्लैक पेपर ऐड कर दिए, कसूरी मेथी ऐड की थी, चाट मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया था, गर्म मसाले थोड़ा सा ऐड किया था, ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, ड्राई कोरिएंडर ऐड कर दी थी। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके तो एक इसका मिक्सर सा बना दिया था। और जब ये सारी चीज़ें सूजी में मिक्स हो जाएंगी तो मैं 1 से 2 टीस्पून इसमें आयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ये हमारी सूजी भी रेडी हो चुकी है। मैंने ये सूजी को भी अच्छे से मिक्स करके और अपने पोटैटो को भी इसमें मिक्स करके और अच्छी सी एक और डो तैयार कर दी है। जी, हमारी डो रेडी हो गई थी। फिर मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उनको कट कर दिया है साइड से और इसकी फिलिंग करूँगी अब। मैंने वही जो पोटैटो और सूजी की बनाया था पेस्ट सी डो सी, उसकी मैंने फिलिंग करके ये मैंने कुछ शेप बना दी है। आप डिफरेंट शेप भी बना सकती हैं, आजकल तो तरह तरह के बाज़ार में वो छोटे छोटे मिलते हैं बच्चों के लिए स्नैक्स बनाने के लिए, तो वो भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने 2 अदद एग लेके उनको बीट करके उसमें डिप किया, ब्रेड क्रम्स की तेल लगाई और फिर फ्राई किए। इन्जॉय कीजिए ज़बरदस्त स्नैक, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मज़ीद रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।